नमस्कार दोस्तों, आरसीए न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। रोजगार और शिक्षा समाचार 2019 में आज हम बात करेंगे सीट टेट 2019 के नोटिफिकेशन के बारे में, क्योंकि सीट टेट 2019 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। साथ ही साथ बात करेंगे युवा विकास दल अधिकारी के रिजल्ट के बारे में और वीडियो परीक्षा 2018 के रिजल्ट के बारे में। आप हमारे साथ बने रहें। अगर आप आरसीए न्यूज चैनल पर नए हैं और आरसीए न्यूज चैनल पर आके पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप आरसीए न्यूज चैनल से जुड़ सकते हैं। आरसीए न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आरसीए न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें आपसे संबंधित तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। अब आइए जान लेते हैं सीटेट 2019 के नोटिफिकेशन के बारे में विस्तार से। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए 5 फरवरी 2019 से आवेदन शुरू हो गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट seetet.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि सीटेट की परीक्षा सीबीएसई द्वारा साल में 2 बार आयोजित की जाती है। सीटेट के आवेदन की अंतिम तिथि 5 मार्च 2019 है। आइए जान लेते हैं आवेदन शुल्क कितना दे करना होगा। जनरल और ओबीसी अभ्यर्थियों को 1200 रुपये दे करना होगा। एससी एसटी विकलांग अभ्यर्थियों को 600 रुपये दे करना होगा। आवेदन 5 फरवरी 2019 से शुरू हो चुका है। आवेदन की आखिरी तारीख 5 मार्च 2019 है। आवेदन फीस जमा करने की आखिरी तारीख 8 मार्च 2019 है और सीटेट की जो परीक्षा होगी वह 7 जुलाई 2019 को आयोजित की गई है। आइए सीटेट परीक्षा 2019 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूं। अध्यापक पात्रता परीक्षा के प्रमाण पत्र की वैधता 7 साल होगी। सीटेट 2019 परीक्षा में 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट उन उम्मीदवारों को देना होगा जो कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के इच्छुक हैं। पेपर सेकंड उन अभ्यर्थियों को देना होगा जो कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने के इच्छुक हैं। सीटेट परीक्षा पास करने का मतलब है कि आवेदक सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने के योग्य हैं। सीटेट पास उम्मीदवारों को केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सर्वोदय स्कूल, केंद्रीय तिब्बत स्कूल और सभी सरकारी स्कूलों में नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको इसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप आरसीए न्यूज चैनल से जुड़ सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं युवा विकास दल अधिकारी के रिजल्ट के बारे में। युवा विकास दल अधिकारी का रिजल्ट उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कब तक घोषित किया जा सकता है, आपके मन में सवाल होगा, क्योंकि बहुत बार डेट बताई जा चुकी है। लेकिन जो मैं आपको डेट बताने जा रहा हूँ वह सबसे सही और सबसे सटीक डेट होगा। 8 फरवरी 2019 से 15 फरवरी 2019 के बीच युवा विकास दल अधिकारी का रिजल्ट आ सकता है। 2 दिन आगे हो सकता है और 2 दिन पीछे हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर से आप सुन लीजिए, 8 फरवरी 2019 से 15 फरवरी 2019 के बीच युवा विकास दल अधिकारी का रिजल्ट आ सकता है। 2 दिन आगे हो सकता है, 2 दिन पीछे हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। अब आइए जान लेते हैं वीडियो परीक्षा 2018 के रिजल्ट के बारे में। वीडियो परीक्षा 2018 का रिजल्ट उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कब तक घोषित किया जा सकता है, आज इसके बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी कमेंट करके हमसे पूछते हैं, सर बता दीजिए वीडियो परीक्षा 2018 का रिजल्ट कब तक आएगा, वीडियो परीक्षा 2018 का रिजल्ट कब तक आएगा। तो इसीलिए मैं यह वीडियो आप सभी दोस्तों के लिए बना रहा हूं। और जो कुछ अभ्यर्थी गुमराह कर रहे हैं अभ्यर्थियों को कि वीडियो परीक्षा 2018 रद्द हो जाएगा, इसका री एग्जाम होगा, ये उन अभ्यर्थियों की भूल है जो यह बातें कह रहे हैं। वीडियो परीक्षा 2018 किसी कीमत पर रद्द नहीं होने वाला है और इसका सीधे रिजल्ट आएगा। और इसका रिजल्ट आने की जो संभावना है, फरवरी के अंतिम सप्ताह और मार्च के प्रथम सप्ताह तक इसका रिजल्ट उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा घोषित किया जा सकता है। फरवरी के अंतिम सप्ताह और मार्च के प्रथम सप्ताह तक वीडियो परीक्षा 2018 का रिजल्ट उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा घोषित किया जा सकता है। और जो कोर्ट कोर्ट की बात हो रही है, कोर्ट में चला गया, कहीं भर्ती फंस ना जाए, कहीं लटक ना जाए, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं भर्ती किसी कीमत पे लटकने वाली नहीं है, इसका सीधे रिजल्ट आएगा। वो कोर्ट में जाके परेशान हो, और जिन अभ्यर्थियों का पेपर बना हुआ है, जिनका पेपर अच्छा गया है, वे रिजल्ट का वेट करें, उन्हें जल्द ही खुशखबरी मिलेगी। और जिन अभ्यर्थियों का पेपर नहीं बना है, वह यह चाहते हैं कि पेपर रद्द हो जाए, दोबारा मौका मिल जाए, तो मैं उन अभ्यर्थियों से कहना चाहता हूं, आगे बहुत सी वैकेंसी आएंगी, लेखपाल की, जूनियर असिस्टेंट की, देखिए लोअर की भी आ गई है, तो आप सभी तैयारी करते रहिए,
ईश्वर ने चाहा तो आपको जल्द नौकरी मिलेगी, क्योंकि आप अगर मेहनत करेंगे तो उसका फल आपको एक दिन अवश्य मिलेगा। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि एक वीडियो के माध्यम से कि फरवरी में किसी पेपर की डेट आने वाली है जिसके लिए बैठक होने वाली है। तो दोस्तों, टेक्निकल असिस्टेंट के एग्जाम का डेट आ गया है, 19 फरवरी रखा गया है, और एक जूनियर असिस्टेंट था उसका भी डेट आ गया है। तो मैं इसके बारे में 3 दिन पहले ही बता दिया था, 3 दिन बाद नोटिफिकेशन आया है। तो आप आरसीए न्यूज चैनल पर विश्वास रखिए, आरसीए न्यूज चैनल को देखिए, आपको अच्छी अच्छी जानकारी दी जाएगी, सही और सटीक जानकारी दी जाएगी। आपको यह वीडियो अगर पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करिए, जिससे वह इस चैनल से जुड़ सके, उन्हें सही और सटीक जानकारी मिल सके। किसी के बहकावे में मत आइए, किसी की बातों में गुमराह मत होइए, आप अपने कैरियर पर ध्यान दीजिए। दोस्तों, एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि 10 तारीख तक मैं अब वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगा। इसका कारण यह है कि मैं पंजाब जा रहा हूं मीटिंग में, तो पंजाब में जा रहा हूं, ऑफिशियल काम है जिसकी मीटिंग होने वाली है, तो पंजाब में मैं जा रहा हूं। 10 तारीख को मैं वीडियो नहीं छोड़ पाऊंगा, 10 तारीख तक मैं वीडियो नहीं छोड़ पाऊंगा। 11 तारीख से फिर रेगुलर इसी प्रकार से मैं आपको वीडियो उपलब्ध कराता रहूंगा। अगर आपको आरसी न्यूज चैनल से जुड़ना है तो आरसी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें आपसे संबंधित तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना ना भूलें। अपने मित्रों दोस्तों को यह कहें कि आरसीए न्यूज चैनल से जुड़े अगर उन्हें सही और सटीक जानकारी चाहिए। कुछ बातें गलत हो सकती हैं, लेकिन 97% बातें सही होती हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।